चलिए कथा प्रारंभ करते हैं हम लोग अपनी। अगर मानचित्रण कल हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देखा था, मानचित्र क्या है, मानचित्र का प्रयोग कैसे किया जाती है, सबसे पहले मानचित्र की जरूरत किन व्यक्तियों को पड़ी, क्या बिना मानचित्र के भी काम हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ना चाहें तो सबसे छोटा सवाल आ जाता है कि जब हम लोग एक अध्यापक बनने के कगार पर खड़े हैं, अध्यापक बनना के राह पे खड़े हैं और आपके घर वाले भी मान चुके हैं आप आधा अध्यापक बन चुके हैं, जिस तरह टीएलएम का काम क्या होता है, आपके अध्यापक में टीएलएम का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रभावशाली बनाने के लिए, लेकिन उसमें जो उसके विषय क्षेत्र होते हैं जिसे आप कहते हैं पाठ योजनाएं, उनका काम क्या होता है। इस तरह एक विषय की पाठ योजनाएं होती हैं, उसी तरह पृथ्वी को जानने के लिए, पृथ्वी पे जो स्थान है उनको जानने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मैपिंग जरूरत पड़ती है, किसकी मैपिंग या मानचित्र की जरूरत पड़ती है, मापन जरूरत पड़ती है, फिर उसी के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे मानचित्रण। मानचित्रण नाम सुनने में बड़ा छोटा अध्याय लग रहा है, लेकिन जब से UPTET हो रहा है हर वर्ष यहाँ से एक प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे गए हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं मानचित्र क्या है, मानचित्र किसे कहते हैं। कल हमने शॉर्टकट में इसका डेफिनेशन ही बताया था, मानचित्र क्या है, मानचित्र किसे कहते हैं, ग्लोब क्या है, ग्लोब किसे कहते हैं, मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है, इसको भी हमने बताया था। फिर और आगे आज बढ़ते हैं कि सबसे पहले मानचित्र की जरूरत किन व्यक्तियों को पड़ी होगी। आप सोचिएगा, जरा दिमाग लगाइएगा, कि दिमाग लगाने का पैसा तो लगता नहीं, लगाइएगा कि सबसे पहले किन व्यक्तियों को मानचित्र की जरूरत पड़ी रही होगी, किनको पड़ी रहेगी, बताएं। अगर मानचित्र अगर हम साक्ष्य देखें, अगर वास्तव में देखें, सबसे पहले बेबीलोनिया मिला था, जो मिट्टी में बना हुआ था, बेबीलोनिया में मानचित्रण के साक्ष्य। लेकिन जरूरत सबसे पहले नाविकों को पड़ी थी, सबसे पहले किसको पड़ी थी, नाविकों को। जब वो व्यापार करने के लिए नाव लेकर जाते थे तो फिर वापस आने में समस्या होती थी, तो उसके लिए उन्हें लगा कि अगर कोई मानचित्र होता तो हमें जगह जाते फिर वापस आते तो हमें आसानी हो जाती। इसलिए सबसे पहले जो मानचित्र का जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई नाविकों को ही, और हम ये भी जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जब उनको आवश्यकता हुई तो अपने आप मैप का आविष्कार हो गया। अरे अभी आपको नई कोचिंग दिखाने के लिए एक बार आना पड़ता है कि अगर आप आएगा तो आपके पापा आएगा, छोटे बच्चे को एक बार वो देख लेता है, फिर तो कहीं ना कहीं मैपिंग सबसे बड़ा था, इधर जाना है फिर इधर घूमना फिर इधर जाना है फिर बाएं मुड़ना, ये बड़ी बिल्डिंग है, इसमें स्कूल है। तो एक बार जब इस चीज को आप कॉपी पे बना देते हैं उसी का नाम हो जाता है मानचित्र। क्या हो जाता है, उसी का नाम हो जाता है मानचित्र हो जाता है, उसी का नाम क्या हो जाता है मानचित्र। फिर और आगे फ्लैशबैक में आता है और पीछे चलते हैं, अगर आदिमानव काल में अगर देखें तो उनके समय में भी मानचित्र का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था और वह यूज करते थे। कैसे यूज करते थे उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान भी लेते हैं। आदिमानव जब घर से पहले निकलते थे तो खाते क्या थे, शिकार करते थे, शिकार पे जानवरों पे आश्रित थे। तो पता चला आज सुबह 5 लोग निकले हैं चारे की खोज में, चारा मतलब गाय भैंस तो थे नहीं, भोजन पानी की खोज में निकले थे। और जाने के बाद अगर किसी स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें ढेर सारा खाने चीजें मिल गई, तो उनको उन्होंने क्या कि आते समय एक लाइन खींचते हुए है रास्ते पे, ताकि कल मैं इसी रास्ते पर जाऊं मुझे एक ही स्थान में भोजन। तो अगली बार जब वो जाते तो अपने आने के बाद गुफा में एक चित्र बनाते इसे दर्शाते कि इधर इधर गया था उधर खाने के खूब भोजन मिले, ठीक, ताकि अगले दिन उन्हें भटकना। तो ये भी कहीं ना कहीं मानचित्रण का छोटा सा साक्ष्य में प्रस्तुत कराता है। दूसरा, 5 लोग कहीं गए, कहाँ गए, आदिमानव घूमने गए, घूमने जाते नहीं शिकार करने बेचारे जाते थे, और पता नहीं चला शिकार हो गए और उसमें से एक बेचारा कूदते फाते बसते हुए आएगा, तो अपने बच्चों को अपने परिवार को बताएगा उधर मत जाइएगा, अपने पूरे कबीलों को बताएगा इस रास्ते में देखो बड़ा सा एक शेर है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उसका नाम है बब्बर से, वो खा जाएगा। तो क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या बनेगा, एक चित्र बनेगा कि इस रास्ते से मैं गया तो उस जंगल में मत जाना, उस जंगल में जाने का रास्ता ये। तो कहीं ना कहीं मानचित्र का जो विचार है वो आदिमानव के दिमाग से एक उपज है, लेकिन कहीं ना कहीं उस उपज को उसे किसी भी स्थान पे भी निरूपित नहीं किया जा सका था, और निरूपित करने का काम बाद में बेबीलोनिया में किया गया, फिर बाद में सिकंदर के सेनापति ने किया, फिर धीरे धीरे क्रम बढ़ता गया और आज वर्तमान में हम इस युग में आ गए हैं कि हम मानचित्र का एक आधुनिक दस्तावेज देखने को मिलता है। मैंने एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हम पूरी पृथ्वी को किसी भी स्थान विशेष को आसानी से निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं। यह काम कौन कैसे हो सकता है, केवल मानचित्रण के माध्यम से हो सकता है या मैपिंग के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना,
कोई दिक्कत, क्योंकि इसके पहले सारे चीजों को मैंने बता दिया। फिर से एक बार हम पूछ लेते हैं आपसे भी कि ग्लोब, ग्लोब तो जानते ही आप, ऐसा तो नहीं हमारी तरह परिचित है, ग्लोब किसे कहते हैं आप बताइएगा? ये ग्लोब है, ये ग्लोब कहते हैं किसे, इसे ना, ये तो हो गया ग्लोब। बैठे बैठ के बताइए, बैठ बताइए ग्लोब क्या है? इसमें भारत का ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड का नक्शा होता है, याद रखिएगा। हाँ, भारत का नक्शा के लिए भारत की मैप होती है, लेकिन ग्लोब पे पूरे वर्ल्ड का होता है। आप बताइएगा जी, नहीं बताइए? अरे क्या दिख रहा है, ये कहते हैं पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप मॉडल है, ठीक, जैसे पुतला होता है दुर्गा माई का, हनुमान जी का, बजरंग बली का, मतलब दोनों एक हैं, तो का पुतला होता है ना, तो क्या है उनका वास्तविक प्रतिरूप, माना यक्ष, गणित वाले से कहते हैं माना यक्ष, वही है, माना पृथ्वी का प्रतिरूप, बस बात खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आगे बढ़े हम लोग, फिर हम लोगों ने देखा कि जो जो मनुष्य विकास की चक्के पे आगे बढ़ना शुरू किया, त्यों तो विकास के क्रम में आगे बढ़ने के साथ साथ नई नई उपलब्धियां भी हासिल करता गया। फिर उसने क्या किया, इसी ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाओं के जाल खींचा, क्या किया, कुछ काल्पनिक रेखाओं के जाल खींचा। उसके लिए इसने सबसे पहले सर्वप्रथम क्या किया, पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। देखते हैं कैसे बांटा होगा। ये हो गया 0 डिग्री, ठीक, ये हमारी पृथ्वी हो गई। इसको देखिए दो तरह से काटने के कई आधार है, माना मैंने यहां से 20 से अलग कर दिया, ये पृथ्वी दो बराबर भागों में टूट गई, कितने भागों में, दो बराबर भागों में टूट गई। तो जब दो बराबर भागों में टूट गई, कल मैंने बताया था दिखने में कैसा दिखेगा, माने ये दो अर्ध चाना देखा होगा आप लोगों ने, उस तरह दिखाई देगा, इसको हम इसको तोड़ दिया जाए तो इस तरह से प्रतीत होगा, ये देखने में इस तरह से दिखाई देगा, तोड़कर अलग कर दो। तो जो बीच में खींचा गया है, इसका जो कोण होता है, इसका नाम रखते हैं 0 डिग्री, क्या रखते हैं, 0 डिग्री, क्या रखते हैं, और ये बीचों बीच खींचा गया है किसके, पृथ्वी के, तो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, भू, भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीचों बीच, माने इस रेखा का नामकरण भी उसी तरह कर दिया गया, भूमध्य रेखा, माने वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई हो उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसका मान है 0 डिग्री, ठीक। एक नाम इसकी और, इसे कहते हैं विषुवत रेखा, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक, इसे एक विषुवत वृत्त भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मान लिया पृथ्वी है आपकी, माना पृथ्वी है, माना ग्लोब है, इस पे भी अगर मैं भूमध्य रेखा खींचनी होगी तो ये देखिए, ये वाली भूमध्य रेखा की लाइन है, ये पूरी लाइन किसकी है, भूमध्य रेखा की, तो ये जो लाइन है ये पूरी तरह से गोलाकार है, वृत्ताकार है, इसलिए इसे विषुवत वृत्त के भी नाम से जानते हैं। तो इसके तीन नाम हो गए, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त और भूमध्य रेखा, क्योंकि वृत्ताकार है ये तो हमें दिख रहा है ना 2D आकृति में, लेकिन वास्तव में 3D आकृति है, कैसे आकृति है, 3D है, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसे विषुवत वृत्त के भी नाम से जानते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई, आगे आते हैं। जब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, कल हम लोगों ने थोड़ा सा परिचय देखा था मैपिंग का, मानचित्रण का, हमने देखा था कि जो दायां हाथ हमारा होता है, दायां हाथ का तरीका हमने बताया था ना, कि अगर आप कंफ्यूजन हो कि दायां हाथ बायां हाथ क्या है, ऐसे कर लीजिएगा, ये दिखता है डी, डी माने दायां, और ये दिखता है बी, बी माने बायां, समस्या खत्म। जब दिक्कत आए बस इसे हाथ कर लीजिएगा, आपको दायां बायां एकदम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये ब्लू है, नीला ही मार्कर है ना, ठीक। तो ये दाएं हाथ पे पूरब, इसे ईस्ट कहते हैं, बाएं हाथ में पश्चिम कहते हैं, ठीक, कहते हैं होता है नॉर्थ और, तो सीधी सी बात है, ये दिख रहा है ये नॉर्थ और साउथ में बढ़ गया। जब डिवाइड करते से हेमिस्फीयर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं गोलार्ध, अरे कौन सा गोलार्ध बनेगा, उत्तरी के दक्षिणी ऊपर वाला, भैया तब इतना पता ही आप लोग को, ये बन जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये बन जाएगा। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, जिसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथन हेमिस्फीयर। कॉन्सेप्ट क्लियर ना, कोई समस्या यहां तक? एक छोटा सा प्रश्न आया, पृथ्वी किस गोलार्ध में है, सॉरी भारत, भारत हा? भारत उत्तरी गोलार्ध का एक देश है, ठीक। अभी आगे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या क्या है। यहां तक कहानी समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब अध्ययन के दृष्टिकोण से
इन पर कुछ रेखाओं के जाल खींचे गए, जिन रेखाओं को क्रमशः अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। लिखने बनिएगा लिखनीयेगा, सुनते बनिएगा सुनिएगा, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि कथा आपको याद होनी चाहिए, ठीक। और कथा सुनने से याद होती है, रट्टा मारने से नहीं, ठीक। अगर पढ़ने से याद होता तो आपको यहाँ आने जरूरत ना पड़ती और हमें यहाँ चलाने जरूरत ना पड़ती। मार्केट में 30 रुपये 40 रुपये की अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएंगी, जिसमें मुझसे बेहतर चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और लिखा हुआ होगा, ठीक। तो आप दोनों कर सकते हैं, एक तरफ सुनते रहिएगा नीचे कलम चलाते रहिएगा, ठीक। अब आते हैं अक्षांश रेखा की बात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए इसके 3-4 नियम है, परिभाषाएं हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल हमने एक बार आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था इसको थोड़ा सा इसके बारे में परिचय कराया था, उम्मीद करते हैं वह परिचय आप हमें जरूर बताएंगे। नकल मारकर बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे बताएंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपने कुछ पढ़ा था। हाँ बताइए। सही है, जवाब सही है, मतलब एकदम सरल है कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक। कैसे समानांतर होगी वो भी आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के दोनों गोलार्धों में खींची जाने वाली काल्पनिक कोणीय दूरी को भी हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, माना पृथ्वी है, बीच से भूमध्य रेखा है, तो कुछ चीजें को समझ लीजिएगा, अक्षांश रेखा अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर हमने 1 डिग्री यहाँ खींचा 1 डिग्री यहाँ खींचा तो अगर मिलाया कितनी रेखा बनेगी? अगर इसे हम चांदा जानते हैं, बचपन में आपने भी देखा होगा और यूज भी किया होगा, और अगर आपने भी BTC DLED किया होगा तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90° का कोण बनाएगा। BTC BEd 2 वर्षीय अगर प्रशिक्षण लिया होगा तो वहाँ आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक। तो पटरी और प्रकार की सहायता से 90° का 120° का 60° का कोण बनाया होगा आपने, हमने भी बनाया है। तो ऐसा तो ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन माना चांदा दिखता है। तो ये होता है पूरा यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 करके यहाँ 90 होता है, फिर इस तरह से होता है, ये 180° तक होता है। अगर ये पूरा जो कोण होगा वास्तव में 180° का होगा, ये कितने इंच का होगा? 180 और 180° का। लेकिन अगर हम 1 डिग्री यहाँ 1 डिग्री यहाँ मिलाकर खींचें क्या रेखा बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 65, 66 81, 82, 83, 84, 90 माने अगर यहाँ खींची जाए अगर रेखा, तो कुल कितनी रेखाएं तैयार होंगी? हाँ 90 रेखाएं। 180 क्यों नहीं? 180 क्यों नहीं? हाफ ऑफ हो गया सीधा, 10 इधर का 10 इधर मिला तो एक ही रेखा बनी, तो कुल कितनी रेखाएं बनेंगी? वही कहानी नीचे भी, क्या अलग होगी कहानी? सेम का, फिर यहां भी इसी तरह बनाएंगे। तो 90 ऊपर और 90 नीचे, तो अक्षांश रेखा की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी नहीं क्लियर हुआ है, अभी देखिएगा आप फंसाएंगे, आप अभी इसी मुलझेंगे हम लोग। अभी एकदम इतना समझ लीजिए साफ साफ कि 90 ऊपर होती है, 90 उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा है, 90 दक्षिण गोलार्ध में होती है, कुल कितनी रेखाएं हो गई? 180 हो गई, ठीक। क्या भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा नहीं है? क्या भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा नहीं है? नहीं है। अगर नहीं है तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कैसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो सकती है? जब भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा नहीं हो सकती तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भूमध्य व्यास कैसे हो सकती है? भैया आपने परिभाषा तो यही बताया जो पश्चिम से पूर्व खींचा गया, तो 90 ऊपर खींचे 90 नीचे, बिचुअम देखकर खींचे हैं नहीं खींचे? कितना हो गया? तब तो ये हो गया ना 90 प्लस 90 प्लस 1, कितनी रेखाएं होंगी?
तो पूरे ग्लोब पे कुल कितनी रेखाएं हैं? 100। अच्छा, अब हम जब चांदा लगाकर इस पर खींचना शुरू करेंगे, जब यहाँ पे हम पटरी और प्रकार को इसे रख देंगे, ठीक, तो जो जो ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तब यहाँ पहुंचेंगे 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, 90 डिग्री चांदा कैसे होगा, एकदम मिस्टेक। तो यहाँ पे एक बिंदु बनेगा और यहाँ पे बिंदु बनेगा, तो 90 डिग्री कोई रेखा नहीं होगी। 90 डिग्री कोई रेखा, एक इधर से माइनस, एक इधर से माइनस, तो माइनस दो। तो बताइए अब 180 सही है, 179 सही है, 181। क्या 179 गलत है? क्या 181 गलत है? तीनों सही है, तीनों सही है। बड़े परीक्षाओं के लिए ये दोनों सही है, लेकिन अगर आप यूपीटीटी प्राइमरी या पर प्राइमरी दे रहे हैं, मास्टर बनना है, 180 लगाइएगा। ठीक, ये बात का विषय है, 179 कब होता है, यूजीसी 179 लेती है, यूपीएससी 181 मानती है, ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 181 मानती है, जैसे आप आईएएस कहते हैं यूपीएससी 181 मानती है। ये सारे विवादित प्रश्न रह चुके हैं, क्योंकि सीधा सीधा कह रहे हैं ना, रेखा संख्या पूछ रहा है, रेखा कितनी हो गई, 90 प्लस 90 प्लस 1, बिंदु हटा दिए दो ठो, तो क्या बचा, 179 बचा, यूजीसी नेट 179 लेती है। तो हर परीक्षा आयोग अपने अपने उत्तर इन्होंने लॉक किया है, लेकिन आपको कितना लगाना है कि अक्षांश रेखा संख्या कुल कितनी है, 180। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब को ध्यान से सुनिएगा, कुछ की पॉइंट होते हैं इसके। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, इसलिए वे सभी एक दूसरे के समानांतर होती है। भैया जी, जब 1 डिग्री यहाँ 1 डिग्री यहाँ लगाएंगे, जब 2 डिग्री लगाएंगे, दोनों स्केल की दूरी बराबर होगी बीच की, तो सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल या समानांतर होती हैं, वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर परिच्छेद नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ज्यो ज्यो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो बराबर होती है क्योंकि समानांतर होती है, किंतु अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है वो लगातार कम होती जाती है, और जब वो ध्रुवों पर पहुंचती है तो क्या हो जाती है, एक बिंदु के रूप में शेष बचती है। कैसे देख लेते हैं। ये हो गया आपका ग्लोब, ये पृथ्वी, ठीक। जब ये 0 डिग्री पे आ गए, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, क्योंकि हमने पढ़ा है वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं। अब जो जो ऊपर जा रहे थे, देखिए इसकी लंबाई कम होती जा रही है, दूरी बीच के बराबर इक्वल है, लेकिन इसकी दूरी क्या हो रही है, कम हो जा रही है, देख रहे हैं, कम होती जा रही है, इसकी लंबाई जो है क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और जब 90 डिग्री में पहुंचा तो एक बिंदु के रूप में हो गया, माने इसकी दूरी खत्म हो गई। और ये काम दोनों गोलार्धों में हुआ, ये काम दक्षिण गोलार्ध में भी हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था? माने भूमध्य रेखा से ज्यों ज्यों दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी तो बराबर रहेगी, किंतु उनकी जो लंबाई है वो लगातार क्या होती जाएगी, और ध्रुवों पे जाने के बाद एक बिंदु के रूप में बचती। समझ में आ गया? अगला प्रश्न उठता हमारे मन में और आपके भी मन में कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तब जब सब जगह बराबर है, 111.13 किलोमीटर, और कहीं 3-1 किलोमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक, लेकिन वैसे 111 किलोमीटर है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 111.13 किलोमीटर, और कहीं आपको 1, लेकिन जब भी आएगा 111, ठीक। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वही तो हम भी बता रहे हैं, यहाँ नीचे लिख दिए ना कि लगभग 111 देगा, देखिए इसको गोला कर दिया, लगभग में हो गया, ठीक। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे आप दोनों के बीच की दूरी कितनी है, हाँ एक भी ना वही है। तो दो कहेंगे, एक नहीं कहते, एक के बीच की दूरी नहीं होती, एक तो अकेला विजेता होता है ना, एक जहां भी चलेगा तो विजेता, रेस में दौड़ेगा तो भी विजेता, परीक्षा देने गया तो भी सिलेक्टेड, हमेशा कम से कम न्यूनतम दो लोग के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे ना, ठीक।
कोई समस्या यहां तक समझ में आ गया? अध्ययन की दृष्टिकोण से कुछ अक्षांश रेखाओं के नामकरण कर दिए गए हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से कुछ अक्षांश रेखाओं के नामकरण कर दिए गए, जैसे खुरहू, मंगरू, कल्लू, कतवारू, सुने गांव में नाम, तो उनके कार्य के अनुसार से उनके नामकरण किए गए हैं। उसी तरह इनके भी कुछ नामकरण किए गए हैं। आइए देखते हैं, और वो आपके यूपीटीटी 2017 में पूछे गए हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई जिसका नाम आपको पता होगा, इसे कहते हैं कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। अच्छा, हम पर्यावरण 2 साल से पढ़ा रहे हैं, भूगोल 2 साल से पढ़ा रहे हैं, एक समस्या होती है गोला वाला सही नहीं बनता, ठीक, तो उसको बनाइएगा अपने मन से, एक का सिक्का जेब से निकालिएगा। हम भूगोल लिख रहे हैं, देखिए इसे कहते हैं मंद बुद्धि बालक। आपने देखा नहीं है, आपने केवल पढ़ा होगा सामाजिक कक्षा में। आज देख लीजिए मंद बुद्धि बालक को। ये भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका जो मान होता है कितना होता है? 0.5 होता है। ये होता है कर्क रेखा। ये होता है 23.1/2 डिग्री, ठीक। ये होता है 66.1/2। इसे कहते हैं आर्कटिक रेखा, या इसे वृत्त भी कह सकते हैं। मैंने पहले बताया वृत्त क्यों कहते हैं। यही पूछा है, जो रेखा मैंने जस्ट ड्रा किया यही पूछा है यूपीटीटी 2017। इसी के पास पेपर हो देख लीजिएगा। ऐसा नहीं सर जी बहका रहे हैं कि पढ़ा दिए, जिसका मतलब पूछा है। ऐसा होता है ना कुछ लोग, भाई ये पढ़ा दिए हैं तब हाँ यही आया है, यही आएगा। लेकिन आप लोग हमसे ज़्यादा खुद समझदार हैं, हम तो इसी को तो चराए होंगे आप लोग कई लोग को ना। भैया आप लोग खुद अध्यापक हैं और हमसे बड़का अध्यापक, 3 दिन में 8 पेपर निपटा देते हैं। इसको औरों तरीके से कह सकते हैं, जैसे इसको लिखते हैं 23° 30' ये 66° 30' ये हो जाएगा 23° 30' 66° 30' लिख लीजिए, बना लीजिए। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं हल्का सा। अच्छा, ये एक चीज़ और लिख दे, नहीं तो यही पूछा था जो चीज़ वो चीज़ तो लिखना ही बोल रहे। इसे कहते हैं यस यस, अगर पूछेगा यस यस क्यों कहते हैं इसे, अभी हम जिससे पूछेंगे वो ही बताएगा कि यस और यन का मतलब हम क्या लिखे हैं। आपको पता है? अरे बाप रे बहुत तेज है यार, आप सब तो प्रतिभाशाली ही मानेंगे। तो आप लोगों को पता है, सबको पीछे पता है, आपको पीछे ये पता है इसका मतलब, ये नहीं इसका मतलब। हाँ हाँ, नॉर्थ माने नॉर्थ 23.1/2 को कहेंगे मकर, और नॉर्थ साउथ 23.5° कहेंगे मकर। अच्छा, बड़ी समस्या होती है, यहाँ याद होता है, परीक्षा 4 महीने बाद है, भुला गए तब का होगा। और सही बात है, कब कर्क मकर, मकर हो कर्क हो जाए, इसका तरीका है याद करने का। एक तो गाना सुने होंगे आप लोग, गाड़ी उड़ी जाती तो बसता है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, सुना आपने ना, तो क से हो गया कर्क,
पहले का आता है, भा आता है, उसके बाद भूमध्य और फिर म आता है मकर। तो कर्क रेखा ऊपर हो गई, भूमध्य बीच में हो गई, मकर रेखा नीचे हो गई। ऊपर आर्कटिक है छोटा है, ये अंटार्कटिका बड़ा लिखा होता है, ये नीचे होता है। ठीक, तो आर्कटिक ऊपर, अंटार्कटिका नीचे। तो ये कर्क, भूमध्य, मकर, अंटार्कटिका और आर्कटिक, हम बचपन में जब पढ़ते थे भुला जाते थे, तो बाद में इसे जुगाड़ निकाले याद हो गया, अब भूलवे नहीं करते। पूरी भूगोल जान गए या भूल जाते थे कि कब ऊपर कर्क होगा नीचे कर्क होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। दूसरी तरीका, जब अंग्रेज जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, पहले क आता है, पहले म आता है, क आता है ना, क पहले होगा, फिर भ आता, फिर म आता है। हिंदी वर्णमाला को भी सजा लीजिए। ठीक, आपका ये हो गया। इसको याद करना है, रट्टा मारना है, यहीं से बनो पढ़ेंगे अभी हम लोग, यहीं से पर्वत पठार भी कई जगह पढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो यहाँ तक पहले पूछ लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये यूपी टेट के लिए इतना इनफ था, लेकिन कुछ लोग भाई प्रश्न पूछ रहे हैं, सही बात है, उनका भी मतलब सही है कि ये कर्क रेखा कोई परिभाषा बताइए, हमें भी लगा कुछ बता ही देना चाहिए। अब कोई प्रश्न पूछे हमारी कक्षा में और उसको जवाब ना मिले, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो पहला प्रश्न ये है कि कर्क रेखा को 23.5 डिग्री पर ही क्यों खींचा गया, और इसे 66.5 डिग्री पर क्यों खींचा गया। अरे 66 कर दिए होते, 23 कर दिए होते, क्या करे बच्चों को पकड़वाना था, 6.5 करके याद कराना। भाई जो बनाने वाले थे उनको इतना दिमाग होना चाहिए था कि बच्चे पढ़ेंगे बाद में, तो लेके चले गए, मर गए। लेकिन दिक्कत किनको होती है, हम जैसों को याद करने में, इसको 23 कर देना, 24 कर दिए होते, 25 कर दिए होते, क्या जरूरत है 23.5 से कर्क रेखा खींचने की, क्या बताइए। आप लोग सोच रहे ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं 23.5 से खींचे और ये 66.5 भी खींचे। हाँ, हम लोग को परेशान करना चाहते थे। हाँ, अगर कुछ तो रीजन रहा होगा, इसको तो 23 कर देना चाहिए था, आराम से 23.66 याद भी हो जाता आसानी से, इतना प्रीफिल मतलब स्याही बच जाती आपकी। हाँ, पृथ्वी की झुकाव इन्होंने बताया, चलिए कुछ हद तक कोशिश तो किया लेकिन सही नहीं है। दिन रात पृथ्वी के घूमने कारण होता है, इसके आगे अगला अध्याय ही पढ़ेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, इस कारण दिन रात होता है। दोबारा कर देंगे, 90 कहाँ है, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। 10 से 45 होगा, 45 का 22.5 होता है, 23.5 मामला कहाँ था यार। हाँ, 23 घंटे में, हमने 24 पढ़ा अभी तक, 56 जरा हमें बताइए, हमें नहीं पता था ये बात, क्यों 23.5 घंटे, हम वो तो 24 खींच देते, 25 खींच देते। अरे बच्चों को पढ़ने में क्यों दिक्कत करें भाई, जाके बच्चे बाद में जो है पढ़ें तब तो गाली दें, कहाँ 23.5 किए, तुमको 24 का देना चाहिए था। नहीं बताएंगे आप लोग, कसम खाएंगे नहीं बताएंगे, मत बताइए। चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं। ये जो अक्षांश रेखा होते हैं, ये पृथ्वी के ताप कटिबंध को प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, ताप कटिबंध को प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी भी अक्षांश रेखा पे जो तापमान होता है, वो दोनों तरफ माने पूरी अक्षांश रेखा पे वही तापमान हर जगह होता है। तो जब सूर्य जानते हैं ना, बड़ा सा होता है, इसे कहते हैं सूर्य एक तारा है, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है, और उसमें नाभिकीय संलयन होता है, जिससे क्या होता है, उसके पास ऊष्मा आती है, नाइट्रोजन टूटकर हीलियम में बनते हैं, नाइट्रोजन इसे 72.5% हीलियम जो है, 26.5% हिस्सा बचा हुआ है अभी। ठीक, ये भी समझ में आ गया। तो होता क्या है, जो सूर्य चमकता है तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या सूर्य एक जगह सीधा चमकता रहता है क्या, तो हम लोग कितना आलसी नहीं है कि बैठ गया तो बैठ गया, वो बेचारा चलता रहता है, सूर्य नहीं चलता, पृथ्वी चलती है, आगे देखेंगे कौन चलता है। लेकिन इतना जान लेते हैं कि पृथ्वी यहाँ से चलती है भूमध्य रेखा से, तो भूमध्य रेखा पे वो सीधी चमकती है। वो आगे पढ़ना था लेकिन हम यही बता दे रहे हैं आप लोग को। एक तो चमकती है 22 सितंबर, दूसरा किसी को पता है कब चमकती है, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है। अभी देखेंगे, आपको पूरा पढ़ाएंगे, आप पूरा बता देंगे कि किस महीने में सूरज किस जगह चमकेगा। तो ये हो गया 23 सितंबर 21 मार्च। ठीक,
तो ये ऊपर जब बढ़ता है, इससे जो ऊपर बढ़ता करके रेखा की तरफ, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जब 21 जून आता है, कौन सा जून, विश्व योगा दिवस, ठीक, जब सूर्य किरणें करके रेखा पर सीधी चमकती हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो जो सूर्य किरणें चमकती हैं इस रेखा के ऊपर नहीं जाती, माने सूर्य किरणें जो सीधी चमकती हैं वह यहीं तक सीधी चमकती है, वहीं से एक रेखा खींच दिया गया, इसका नाम रखा गया कर्क रेखा। और जब इसकी कोणीय दूरी नापी गई तो पता चला उसकी कोणीय दूरी कितनी है, 23.5 डिग्री है, और तिरछी किरणें पहुंचती हैं यहां तक, वहां नापा गया तो निकला 66.5 डिग्री, इसलिए इसको बनाया गया आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री। वही सेम कंडीशन दक्षिण में हुई, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे सूर्य किरणें किस कै तारीख को, 22 दिसंबर को सीधी चमकती है, इसलिए इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है किसपे, दक्षिणी गोलार्ध का, और वहां पर रेखा खींचा गया जिसका नाम रखा गया मकर रेखा। माने सूर्य किरणें जिन रेखा पर सीधी चमकी, लास्ट में जाके जिन जिन बिंदुओं पर, उत्तरी गोलार्ध पे जहां वो सीधी चमकी वहां पे एक रेखा खींचा गया जिसका नाम रखा गया कर्क रेखा। उसका जो कोणीय दूरी था वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, जबकि मकर रेखा में 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध रहा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिस स्थान पर सूर्य किरणें सीधी चमकती है वहां पर कौन सा मौसम होगा, ठंडी का, गर्मी होगा, ठीक, वही सूर्य सीधा चमकेगा, ठंडी कहाँ होगा, गर्मी ना होगा, और उस समय पृथ्वी पे सबसे ज्यादा सूर्य तब भी प्राप्त होता, इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध को मिलाकर एक जोन बनता है, कटिबंध बनता है, इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय जोन। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, कहां से, इन क्षेत्रों को मिलाकर, क्योंकि सबसे ज्यादा सूर्य तब तो यही प्राप्त होता है, सूर्य यही मंडरा के रह जाता है, तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ मिलता है, यही मिलता है, ठीक। चलिए भैया आपका जवाब मिला, 22 का, हाँ ये 21 जून है, 22 दिसंबर, माने 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं, ठीक, और 21 जून को कर्क। अरे इसको और बढ़िया पढ़ेंगे भैया जी, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, आप आंख मूंद कर बता देंगे सूर्य समय किस जगह होगा और कौन सा मौसम होगा। जी जरूर पूछिएगा, हाँ अपसौर उपसौर वाला पूछ रहे हैं क्या आप, अच्छा अपसौर, अपसौर का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अपसौर अपसौर के बारे में, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो समय होता है 3 जुलाई, और उस समय घटना क्या घटती है, उस समय गर्मी हमारे यहाँ ज्यादा होती है, जबकि उनका कहना दूर होने की वजह से ठंडी होनी चाहिए थी, तो छोटा सा प्रश्न है, चलिए लेकिन इसको पूरा साफ करना पड़ेगा, पूरी टॉपिक उससे अलग है, लेकिन वो टॉपिक हम आगे पढ़ते, लेकिन हाँ नहीं बता दे, आपने प्रश्न पूछा नहीं बताएंगे, जानते क्या दिक्कत होता है, मास्टर रोग नहीं आता, सही नहीं, दिक्कत इस बात की है, दरअसल हम ये सोचते हैं ना कि एक जैसे ऐसा तो है ना, बच्चा पैदा होते ही पहले जो उसको BTC या BEd करा दोगे, पहले बेचारा चलना तो सीखे, दांत तो निकले उसके, हाँ तो वही काम है, एक क्रम से चलते हैं, आपने पूछ दिया तो भैया बता ही देते हैं, वो पूरे अलग टॉपिक है। ये दीर्घ वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे एक पृथ्वी की स्थिति ये हो जाएगी, एक पृथ्वी की स्थिति ये हो जाएगी, ठीक। तो इस कंडीशन क्या होती है, जिस समय ये दूर होती है उस समय सूर्य का हिस्सा ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, अब भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध का देश है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ उसका असर 3 जुलाई सबसे दूर है, 3 जुलाई को, 2 जुलाई को, हाँ 2 जुलाई को वो सबसे दूर होती है, फिर गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि सूर्य उस समय यहाँ पे होता है, ये है 2 जुलाई, ये है 3 जनवरी, इस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सीधी चमकती है, ये दूर होने के बाद भी, कहा गया सही नहीं बन रहा है, सीधी से मतलब जान लीजिएगा, अभी डायग्राम सेट नहीं हो रहा है, हाँ अच्छा, जिस समय नजदीक, हाँ उत्तरी गोलार्ध, माना उत्तरी गोलार्ध है, ये नॉर्थ पोल और ये सेम ही कंडीशन होती है, इस कंडीशन में 6 महीने का अंतराल होता है, इस समय तो दिख रहा है एकदम दूर है, फिर भी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, ठीक, गर्मी पड़ने कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो झुकाव होता है इसका, सूर्य किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्य तब ज्यादा प्राप्त होता है, दूर रहते हुए सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और यहाँ पे जब नजदीक होता है तो सूर्य पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ये मकर रेखा पे सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंडक रहता है,
बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग कब पढ़ेंगे इसके बाद ही, आज अगर समझौता कै बज रहा है आज ही टॉपिक में लपेटेंगे तो पूरा खत्म कर देंगे, समझौता आज ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए पढ़ेंगे पृथ्वी की दैनिक गति, जब वार्षिक गति, जब वार्षिक गति पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। और उसी में एक कॉन्सेप्ट और होता है कि पृथ्वी पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात, वो भी हम लोग कॉन्सेप्ट आज ही खत्म करते हैं। ठीक, तो सीधी सी बात है, जब नजदीक होता है तो दो गोलार्ध है ना, एक गोलार्ध पे सीधा चमकता है, एक गोलार्ध पे नहीं, जिस गोलार्ध पे सीधा चमकता है वहां सूर्य तब ज्यादा प्राप्त होगा, वहां गर्मी होगी, बस एक लाइन के उत्तर है। चलिए और क्या है, कहां तक पढ़े हम लोग, अच्छा अभी तो देशांतर रेखा पढ़ना बाकी, बाप रे बाप, चलिए पढ़ लेते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हो हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा बहुत ही आसान अध्याय है, अगर आपने अच्छा से रेखा समझ लिया होगा देशांतर रेखा पढ़ना ही उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग एक जगह स्थिर कर लेंगे अभी, क्योंकि 2 मिनट का रेस्ट हुआ था आप लोग का, इधर उधर दिमाग भटकने लगा, इसे वापस लाते हैं अपनी जगह पर। अब हम लोग पढ़ते देशांतर रेखा, देशांतर रेखा देखिए काफ़ी आसान होता है। अगर हम माना कि ये ग्लोब है या पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, ठीक, तो इसमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं, ऊपर का जो बिंदु होता है इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे कहते हैं दक्षिण ध्रुव, माने दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया इतना, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। मैंने अर्धवृत्ताकार शब्द का प्रयोग क्यों किया, क्यों किया, ध्यान दीजिएगा, माना ये ग्लोब या पृथ्वी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेखा है वो केवल एक है, इसके पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब पूरे ग्लोब का जो कोण होता है 360 अंश होता है, अगर 1 डिग्री पर एक खींचा जाएगा तो कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, 360। तो पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर कुल कितनी काल्पनिक देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, 360। क्योंकि आपको यह भी विदित होगा, यह भी पता होगा, क्योंकि पूरे पृथ्वी पे जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं सभी काल्पनिक हैं, सभी कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, मैंने ऐसी रेखा पृथ्वी पर कोई खींची नहीं गई है। अध्ययन के दृष्टिकोण से आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, जैसे आप एग्जाम की कॉपी मिलती है तो पहले ब्लैक पेन से कॉर्नर साइड मारते हैं, तो बस उसी तरह ये भी है, अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको सरल बनाने के लिए हमने क्या किया, कुछ काल्पनिक रेखा खींच दिया, इसका नाम रख दिया देशांतर रेखा। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 360। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देशांतर रेखा की शुरुआत कहां से कीजिए, जैसे पहली तो 0 डिग्री खींचनी पड़ेगी, कौन से 0 डिग्री, यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी, मतलब कहीं से भी खींच सकते हैं, तो शुरुआत कहां से करें। एक बड़ा प्रश्न होता है कि पढ़ना तो हमें यूपीटेट की तैयारी करनी है कि किस कोचिंग से पढ़े, पर स्टार्टिंग कहाँ से करें, पढ़ रहा थे सब बेहतर है, कोई तो खराब नहीं पढ़ाता, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से पढ़े करें कि हम सिलेक्शन के सबसे नज़दीक पहुँच जाएँ, कौन सी बेस्ट संस्था है, ये चुनाव कैसे करें, हम इसका चुनाव कैसे करेंगे। तो एक कहावत कही गई, जिसकी लाठी उसकी भैंसिया, सुने नहीं आप लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं और वर्तमान में भी इसके कुछ पृष्ठभूमि देखने को मिल भी जाते हैं, तो पता चला इलेनी दुर्गेश कई लोगों के मुंह से आपने सुना, इसलिए सोचा ये बेस्टर संस्थान है, आप यहाँ जुड़ने के लिए चले आए, और ना कौन हमें जानता है, ना बोर्ड, ना कोई बैनर, ना कोई पोस्टर, कहीं ना कहीं आपको लगा कि बेहतर संस्था जो आपको संरक्षण के नज़दीक पहुँचा सकती है। तो सेम यही कंडीशन हुआ था जिस समय देशांतर रेखा खींच जाने की बात की गई थी, क्योंकि पहले अक्षांश रेखा निर्धारण किया गया था, उसके बाद देशांतर रेखा। तो एक समय था, आप जानते हैं कि ब्रिटेन, मानी इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन कहते हैं, उसका साम्राज्य पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, उसका साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था कि एक तरफ सूर्योदय होता, एक तरफ भारत भी उसका में भी उसका साम्राज्य उपनिवेश था, अमेरिका भी उसका उपनिवेश था, रसिया तक उसके तार फैले हुए थे, जापान तक उसके हाथ फैले हुए थे, और वह अफ्रीका महाद्वीप पर भी अपना शिकंजा कसता जा रहा था। माने ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बड़ा था कि एक तरफ सूर्योदय होता, एक तरफ सूर्यास्त होता, इतना बड़ा साम्राज्य उसका हो गया था, किसका। तो बस सीधी सी बात, जब सब लोग प्रस्ताव लेकर गए कि हमें देशांतर रेखा खींचना है, तो वही हाल है कि अगर आपके गाँव में सरकारी बिजली का वो लाइट लगने वाला फ्री वाला सोलर, तो चाहेंगे आप हमारे दरवाजे पर ही लग जाए, कि चाहेंगे पड़ोसी के यहाँ लगे, सब चाहेंगे हमारे दरवाजे पर लग जाए ना, कि चाहेंगे पड़ोसी यहाँ लगे,
सपने जाएंगे। तो जब वो रेखा खींचने की बात हुई तो ब्रिटेन और कहा दो जाएंगे, हमारे से खींचिए, तो हमारे से खींचिए, कहाँ से खींचे, अब ब्रिटेन भी बहुत बड़ा, अब ब्रिटेन में कहाँ से खींचा जाए। तो पता चला जहाँ गाय को रखा जाता है, गाय को पाले से क्या कहते हैं, गौशाला, और जहाँ भैंस पाली जाती है, जो भैंस रखी जाती है उसको क्या कहते हैं, भैंसशाला, तबेला कहते हैं, गौशाला और भैंसशाला ना, अच्छा उसे तबेला कहते हैं, ठीक। लेकिन जिस स्थान पर रख अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं वेदशाला, उसे क्या कहते हैं, वेदशाला। माने वेदशाला क्या होता है, जहाँ पे बैठकर हम अंतरिक्ष विज्ञान का, खगोल विज्ञान का, एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेदशाला कहते हैं, ठीक। तो वहाँ पे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक स्थान था जिसका नाम था ग्रीनविच, वो लंदन में था जहाँ पे वेदशाला था। कहा कि खींच दीजिए, तो ये रेखा लंदन की ग्रीनविच नामक शहर से खींची गई, इसलिए उसका जो नामकरण किया गया, उसका नाम रखा गया, वो ग्रीनविच रेखा नाम पड़ गया। क्या पड़ गया, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच में क्या था, वेदशाला था। वेदशाला माने जहां अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन किया जाए, जैसे जहां गाय पाली जाती है गौशाला, भैंस को भैंसशाला, ठीक, और अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करने वाले को वेदशाला कहते हैं, ठीक, तबेला, गौशाला, ठीक, समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आ रहा आप लोग को। उसका नाम एक और रखा गया, एक तो हो गया ये नाम, इसे दो ही नाम होता है, ठीक, एक तो हो गया उसका नाम वेद ग्रीनविच रेखा, एक नाम से और दिया गया प्रधान मध्यान रेखा। क्या रखा गया, प्रधान मध्यान रेखा। ये CTT राजस्थान TT, माने हर TT में पूछ चुका है, लेकिन अभी UP TT में इसका नंबर नहीं आया है, हो सकता है अगली बार या इसी बार UP TT में इसका नंबर आ जाए। तो 0° देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और प्रधान मध्यान रेखा भी कहते हैं। माने इसके कितने नाम हो गए, दो नाम। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट, कोई समस्या यहाँ तक, खूब ध्यान समझिएगा, इसके हर एक टॉपिक को सुलझाएंगे नहीं तो एकदम उलझ जाएगा। यहाँ तक कहानी हम होगी समझ में आ गई, चलो अब कुछ इसके देख लेते हैं। यहाँ पे होगी 0°, ठीक, फिर वही कहानी जो अक्षांश रेखा में थी, यहाँ से खींची हमने, माने 1 डिग्री पे खींचेंगे तो 180 इधर और 180, फिर समस्या लीजिए, 180 इधर 180 इधर कितने हो गए, और एक ये, इस समस्या को खत्म करना है तो खत्म, क्योंकि ये बाद में खींचा गया, पहली बार तो समस्या उत्पन्न हो गई थी 80, 81, 79, इसको खत्म किया जाए। खत्म कैसे किया पता है आपको, जो 0° खींची गई थी उसके ठीक पीछे की जो रेखा थी उसका नाम रखा गया 180°। माने इसका भी 180 वही और इसका भी 180, समझ गए आप लोग, माने ये इसको रख दिया गया, इधर से भी तीसरा इधर से भी तीसरा, कुल कितने होने चाहिए, इधर से भी तीसरा इधर से भी तीसरा, तो 5 हो गए 6, सेम कंडीशन वो भी हो गई, 180 इधर का भी 180 इधर का भी 180, ठीक, तो 180 कितना हो गया, 360, इधर का भी जोड़ लिए तो माइनस एक कर देंगे इसको, अब 179 360, एक कम कर देंगे 359, फिर 0° जोड़ देंगे 360। मतलब जहां से ये ग्रीनविच रेखा गुजरा है आपका, ग्रीनविच यहां से गुजरा है, ग्रीनविच इसके ठीक पीछे की, यहां रेखा खत्म हो गई, इसके ठीक पीछे जो शुरू होगी उसी का नाम है 180 अंश देशांतर रेखा। वो इधर से भी 180 है और इधर से भी 180 वही है, उसकी जो कमी है ये पूरा कर दिया 0°। इस प्रकार देशांतर रेखा की संख्या एग्जैक्ट 360, ठीक। एक प्रश्न और है, यहां से जन्म ले लिया, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है, 180 अंश देशांतर रेखा का नाम क्या है, 180 अंश देशांतर रेखा का नाम क्या है, बताइए, किसी को पता है, आप प्रश्न पूछते हैं तो बुरा तो नहीं लगता ना, यहां पढ़ने आए बताने थोड़ी ना आए हैं, इनका काम है पढ़ाना, नहीं तब सही है, बताइए 180 अंश देशांतर रेखा का नाम क्या है, नहीं बताएंगे, डॉक्टर मना किए, भाई डॉक्टर मना करते हैं तो कुछ परहेज करते हैं बताने से, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन, ये सबसे ज्यादा टीटी में पूछे जाने वाला प्रश्न है,
देशांतर रेखा से, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों कहते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना जानते रहे कि इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानते हैं आगे हम लोग देखेंगे। किन किन देशों में, किस देश में नहीं है, किन किन देशों में, प्रश्न को अधूरा ना छोड़िएगा। वो अभी बात का विषय, मैंने क्या कहा इसको भी छोड़ेंगे ना थोड़ा सा, जब लास्ट जब खत्म हो जाए देशांतर का तब कही सर आपने ये तो नहीं पढ़ाया, वही हाल है। ब्रिटिशी बीएड बाद में कराएंगे ना, बोले उसे दांत निकले बकैया खींचे चलना सीखे, फिर कान पकड़ेगा तो उसे प्राइमरी में भेजेंगे, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा तब फिर ब्रिटिशी कराया जाएगा ना। ठीक, वो हम पढ़ाएंगे, छूटेगा नहीं, चिंता ना करिएगा। तो ये बन गया देशांतर रेखा। अब कुछ चीजें पहले समझने योग्य है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोर कहते हैं, जी ओ ए आर। गोर कहते हैं, ठीक। अब जो बता रहे खुद ध्यान समझिएगा, ऐसे आप लोग समझदार तो ही हैं, हमारी तरह मंद बुद्धि तो है नहीं, ठीक। अच्छा, मन बुद्धि वालक और जड़ बुद्धि वालक में क्या अंतर होता है बताते रहिएगा, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से हमने खींचे एक रेखा, इसका नाम था 0 डिग्री, ठीक। इसका नाम क्या था, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व, अच्छा हम भूमध्य क्या विश्वत क्या, ठीक है भैया, विश्वत भूमध्य कुल कहते हैं इसको, ठीक। तो इसे भूमध्य रेखा विश्वत रेखा कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो देशांतर रेखा की जो सबसे ज्यादा दूरी होती है वो कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पे। जो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं इनकी बीच की दूरी कम हो रही है, और जाने के बाद ध्रुवों पर इनकी बीच की दूरी नगण्य या शून्य हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। दो देशांतर रेखा की बीच की दूरी सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पे होती है। अब भूमध्य रेखा से जो जो दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं त्यों त्यों इनकी बीच की दूरी कम होती जाती है, और ध्रुवों पर पहुंचने के बाद ये क्या होते हैं, बिंदु के रूप में हो जाते हैं, या उनकी दूरी बीच की दूरी खत्म हो जाती है, आपस में मिल जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उनके प्रश्न जवाब सबसे लास्ट में देंगे, याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने पूछ भी दिया है। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को, यहां तक किसी को कोई डाउट हो पूछ ले, क्योंकि लगातार ये चीजें कड़ी होती जाएंगी। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्यों उसका नाम कोई और नहीं रखा गया, क्यों वही रख दिए, उनका भी जवाब मिल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। ये समझ में आ गया। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। हाँ? नहीं हो सकती, क्या क्या डिग्री पूछेंगे आप, ठीक। अच्छा भाई, कैसे बताएं आपको इसकी बीच की दूरी, हर जैसे एक कदम चले घट गई बढ़ गई, तो कैसे बताएं इसकी बीच की दूरी। गोर कहते हैं, मैंने बता दिया इसकी बीच की गोर कहते हैं, बात खत्म। उसे 111.13 किलोमीटर कहते हैं, कुछ नहीं कहते उसे ना, कहते तो बताते खुद ही आपसे, छोड़ते नहीं आपसे, चिंता ना करना भैया, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी का ज्योग्राफी। अच्छे से पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन एक बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी चलना है। आपको हमें 65 दिन के अंदर पर्यावरण खत्म भी करके देना, वरना कहेंगे क्या पढ़ रहे थे, अभी पर्यावरण चला रहा है, अभी भूगोल पढ़ा रहे हैं, आप ही नहीं कमेंट करेंगे, बाहर निकलेंगे आज तो मजा आ रहा है, पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, और कल को बाहर निकलेंगे कैसा बुक पढ़ाए, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, दूसरे कोचिंग में तो खत्म हो गया, ठीक है। तो हमें ये भी नहीं देखना है, हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है ना। अब इसी समय सोच रहे लिखित तो पढ़ लें, ठीक। ये लिखित में एकदम पूरा फिक्स है ज्योग्राफी का पोर्शन और एनवायरमेंट का, इसलिए खूब अच्छे से पढ़िएगा। मैंने एक बात और इसलिए बताया था, आपको लिखित पढ़ने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होनी पड़ेगा। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा रिजल्ट क्यों अच्छा आता है पता है, क्योंकि जब मैं टेट पढ़ाने के बाद जब लिखित पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ बच्चे को मैंने क्या क्या चीज़ें पहले पढ़ा दी है, तो उसको रिविजन करना है, उसे पढ़ाना नहीं है। अन्य कोचिंग में जाएंगे तो फिर जब पूरा पढ़ाएगा, और हम क्या करेंगे उसको छोड़कर बाकी पढ़ाएंगे, उसका खाली टेस्ट लेंगे, तो जो बचा हुआ पढ़ेंगे वो एक महीने में पूरा पढ़ेंगे, हर एक महीने में बचा हुआ पढ़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा बेहतर हो जाता है लोगों का बच्चा। आते हम लोग मुद्दे पे, हम लोग बतियाने के लिए थोड़ी ना है। ये हो गया 0 डिग्री। अब थोड़ा गणित पढ़ लेते हैं यार,
इसको कहते हैं संख्या रेखा। सर जी पढ़ाए होंगे लेकिन शायद परसेंटेज शुरू किए हैं। इसे कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं इसे? अंग्रेजी में कहते हैं नंबर लाइन। जब संख्या रेखा बीच में क्या होता है? जीरो। इसे कहते हैं न्यूट्रल। अच्छा कुछ लोग इसमें केमिस्ट्री वाले भी होंगे है ना भैया, मार्ट वाले हैं बता दे रहे पहले ही है ना केमिस्ट्री वाले। ये पीएच मान ऑन होता है एक तो कोई, हाँ एक तो पानी होता है सादा पानी पीने वाला मीठा पानी। अच्छा मीठा पानी अगर गाँव में कहेंगे तो मतलब बदल जाएगा, और केमिस्ट्री भाषा में मीठा पानी कहेंगे तो उसका पीएच मान 7 आ जाएगा। लेकिन गाँव में कहेंगे तब तो मीठा प्लस पानी, ठीक, तो ये उदासीन हो जाता है 7। इसके दाएं तरफ पढ़ेंगे तो देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 डाल बढ़ता जाएगा। अच्छा बाईं तरफ आते हैं तो -1 -2 -3 -4। थोड़ी गणित भी पढ़ लेते हैं भाई, गणित पढ़ लेते हैं। अच्छा बुरा मत मानिएगा, भूगोल पढ़ाते पढ़ाते पर्यावरण पढ़ाते गणित उणित कैसे पढ़ाने लगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 सबसे बड़ी है ना, ठीक। इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं और धन पूर्णांक भी कहते हैं। जीरो सहित धन पूर्णांक को, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी अनंत, ठीक। अब हम पूछेंगे आपसे प्रश्न, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इसे कहते हैं ऋण पूर्णांक, ठीक, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक, हाँ सही है। अब बताएंगे, आप बताइएगा सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक, -1। आप बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया, आप -4 नंबर पाए हैं, -8 नंबर पाए हैं, कौन ज्यादा पाया? -4 ज्यादा पाया, -8 वाला नहीं ना, याद रखिए। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी ऋण पूर्णांक 1 और सबसे बड़ी -1, सबसे बड़ी अनंत और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ऋण पूर्णांक अनंत होती है सबसे बड़ी। अरे हमको गणित थोड़ी ना पढ़ना था, तो ऐसे लिख दिए इसको समझा दिए। हमें बस इतना पढ़ना था कि जब संख्या रेखा पे हम दाएं तरफ बढ़ते हैं तो धनात्मक होता है और बाईं तरफ आते हैं तो ऋणात्मक होता है, बात खत्म। बस इतने में समझना था। अब कहे -3 से 4 तक जाना था, हमें कई कदम चल के जाना होगा, तो आगे तरफ बढ़ने जुड़ रहा है और बाईं तरफ आएंगे तो घटेगा, बस काम खत्म। इतना हम लोग को पढ़ना था। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गणित वाले मास्टर से पूछिएगा, नहीं गणित वाले मास्टर से पूछिएगा ना, अभी भूगोल वाले मास्टर है जब हम गणित पढ़ाएंगे, ये कैसे पता, ठीक। हाँ आप गणित वाले पढ़ाएंगे, गणित समय आ गया तभी पूछिएगा, इसमें केवल भूगोल वेट नहीं नहीं पढ़ाएंगे। चलिए आते हैं, क्योंकि हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया, बहुत लंबा हो जाएगा ना अभी, यही बहुत लंबा चलेगा। ये हो गया, ये समझ में आ गया संख्या रेखा। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको किसने बता दिया हम गणित पढ़ाते हैं भैया, पर्यावरण के मास्टर हैं। चलिए ये हो गया पूरी पृथ्वी, ये बीच में हो गया 0 डिग्री, ठीक हो गया ना। इसके दाईं तरफ जाएंगे तो समय जुड़ेगा और बाईं तरफ आएंगे समय, ये समय जुड़ेगा घटेगा क्या होगा पता नहीं, सब क्या बता रहे हैं ना, हवा लग रहा है लेकिन हमें नहीं लग रहा है, हमें तूफान जैसा लग रहा है, ये ऊपर से निकल जा रहा है। चलिए आगे आते, पीछे आते थोड़ा सा। अब आते हैं, जो पृथ्वी है ये 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, इसे हम इसकी दैनिक गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? माने एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक चक्कर पूरा लगाती है, माने पूरा एक चक्कर लगाने में से 24 घंटे का समय लगता है, ठीक। तो ये एक चक्कर जब लगाती है तो कितना डिग्री घूमती होगी? 40-50 डिग्री, कितना डिग्री? 360, खाली 60 नहीं 360, ये पूरा कोण 360 का, कोई गोली वस्तु अपने आप में 360 अंश होती है, तो 360 डिग्री घूमती है, माने पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री बहुत घूम जाती है यार। हाँ हम लोग को एहसास भी नहीं होता, बताएंगे कहीं नहीं होता, मतलब एक दिन में जो हमारी पृथ्वी है वो कितनी घूमती है, ऐसे लिखते एक चक्कर मार लेती है पूरा, ठीक। राइटिंग थोड़ी हमारी गड़बड़ है, याद रखिएगा। एक दिन में कई घंटे होते हैं? 24 घंटे में कितनी घूमती है? तब एक घंटे में कितनी घूमेगी? 360/24 माने 15 डिग्री घूमेगी, माने एक घंटे में 15 डिग्री, ठीक। अब एक घंटा में कुछ मिनट होता है, कई मिनट? 50 60, अब बढ़ गया क्या,
मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती, एक डिग्री घूमने कितना समय लगेगा, माने एक डिग्री घूमने में, एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। माने पृथ्वी को जितना देर हम लोग बैठे, सोच ली कितना डिग्री घूम चुके होंगे, माने एक डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितने मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। बाप रे, बहुत लगता है, ये बना लीजिए, इतना लिख लीजिए। अरे अभी पूरा सवाल लगाना होगा इस पे, ये देशांतर रेखा इतना आसान नहीं जितना हम आप सोच लेते हैं, लेकिन आसान है ही है ही क्या इसमें। अब कुछ सरल प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो शुरुआत लड़कियों से करें लड़कों से करें, लड़कियों से। अच्छा, ये लोग कितने लड़के, ये लोग खुद कहते हैं हमसे पूछिए, लड़कियों से। हाँ, जो फर्स्ट आते हैं आप अपने क्लास में, सेकंड आते हैं, अच्छा पीछे से, तो मतलब पीछे फर्स्ट होते हैं। चलिए, तो आप ही नंबर आप फर्स्ट, उन्होंने थोड़ी बात किया पीछे से आगे से। चलिए शुरुआत आप ही से करते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है, क्या नाम है, और तेजी से बोलिए, उसमें कितने कलर होते हैं। चलिए बस यही पूछना, आगे बढ़े हम लोग, हमें लगा पूछे, मतलब इसे कहते हैं बहकाना क्लास को, लिख रहे हैं तो कुछ प्रश्न भी पूछते रहे ना। अब एक लड़के से पूछ लिया, लड़के आप बताइए श्रीवास्तव जी, छोटा सा प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज देखा आपने, क्या नाम है, उसमें कितने कलर होते हैं, चार। वो हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज से हंस रहे हैं, अभी आपसे फिर वापस आपके पास आएंगे, चिंता ना करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़कियों के पास ट्रांसफर होते हैं, आप बताइएगा जब पीछे से, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज देखा आपने, क्या नाम है उसका, उसमें कितने कलर होते हैं, ठीक सही है, आप बताइए। अरे इसे पूछ रहे हैं, ये टॉपिक हमारा अलग है, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं ना कुछ क्वेश्चन, ठीक। चलिए आप थोक भाव बताइए, थोक भाव बताइए कौन से कलर होते हैं, हाँ ये 3 कलर वाले सही जवाब हैं, ठीक। तो जरा आप हंस रहे थे, आप तीनों कलर के नाम बताइए, शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, इसे कहते हैं केसरिया, वाइट और ग्रीन। हम ये 3 कलर देंगे, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज बना देंगे आप, हम आपको ये ध्यान सुनिएगा, हम आपको ये 3 कलर देंगे, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज बना देंगे आप, दूसरे देश का नहीं होना चाहिए, हम अपने देश की कांग्रेस झंडा मत बनाइएगा, हम अपने देश की राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं, हम ये 3 कलर आपको देंगे, तो क्या आप हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज बना देंगे। अरे अभी हंस रहे थे आप, जो इन्होंने 4 बताया, हाँ हम आपको केसरिया दे, सफेद दे और हरा दे, 3 कलर आपको दे, तो क्या आप भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज बना सकते हैं। अभी आपको फिर नेवी ब्लू चाहिए, कौन सा नेवी ब्लू, उन कितने कलर चाहिए वहां से, अब आप हंस लीजिएगा, हंसा नहीं जाता, आप बड़े खुश हो गए कि तो गलत बता रहा है, कितने कलर चाहिए। आप कहेंगे इस गणित से उसका क्या संबंध था, सही बात, उसमें चक्र होता है, उस चक्र में कुछ तीली होती हैं, कई तीली, तो 2 तीलियों के बीच में कई अंश का कोण होता है, कहें कौन नापने जाएगा, यहां लगा हुआ है पूरा 360 अंश का होता है, 24 तीली होती है, तो एक तिरंगे झंडे के जो 24 तीलियां होती हैं उनके 2 तीलियों के बीच में 15 अंश का कोण होता है। मुझे यही टॉपिक पढ़ानी थी, हम क्या लिखे हैं तो बता दें, ठीक सीधी सी बात, अब कौन कहे कौन नापने जाएगा, सीधी सी बात भैया 15 अंश का होगा, 360/24, ठीक। और झंडे की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2, माने अगर लेंथ अनुपाते ब्रीथ इज इक्वल टू 3:2, इसको पलट देगा, अगर ब्रीथ रेशियो लेंथ कर दिया तो 2:3। ना अनुपात में कौन सा अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, अधूरा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, हम जैसे लोग तब कोट जाएंगे, हम जैसे लोग कोट जाएंगे, तो क्या अधूरा क्वेश्चन है, इसे कॉमन नंबर करिए। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या, प्रश्न फिर देख लीजिए कभी, यहां तक भैया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना,
हम ये नहीं पूछेंगे कौन पहले बनाया था, कौन डिजाइन किया था, पूछ लें, नहीं पूछेंगे। अरे पूछेंगे तब जान जाएंगे, ये बात होती है। और सबसे मजा तब आता है जब किसी प्रश्न पूछे उसका जवाब दे दिया तो प्रश्न कहानी खत्म। मदद तब आता है जब प्रश्न कुछ दूर तक चले, क्योंकि तब सब सोचते हैं, ध्यान नहीं है क्या, हम पूछते हैं उनसे प्रश्न सबके दिमाग में चलता है। अगर आप जितने लोग देख रहे हैं सबके दिमाग में कहां क्या होगा, और आपको लगता है कि नहीं नहीं हमसे ना पूछे, हमसे ना पूछे, लेकिन कहीं ना आपके दिमाग में उसका उत्तर तो सर्च करता है, और एक बार उत्तर पता हो गया दोबारा भूलता नहीं। तो भैया वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किस महिला या किस पुरुष ने किया था? वैंकैया नायडू कहाँ से आ गए यार, ये उपराष्ट्रपति है भाई साहब, कौन बताया? धन्य है महापुरुष आप सब। अब बताइए इधर, अच्छा महिला थी, महिला थी, चलिए इतना तो है, महिला थी, इंडियन थी, फॉरेन फॉरेनर थी? मैडम कामा थी? नहीं पता है, मतलब चलिए लह गया, कोई महिला या पुरुष होंगे, महिला ने महिला का पुरुष वाले पुरुष कहते हैं। पिंगाली वकैया थे, पिंगाली वकैया तमिलनाडु। हाँ डिजाइन डिजाइन, पहले तो चरखा था ना, कहेंगे पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले गए, कहाँ तमिलनाडु रामेश्वरम, जहाँ के आपके कलाम जी थे। ठीक, एक काम करते हैं, हम दोबारा पुश करके वापस आते हैं और इसके बाद की वीडियो आपको पार्ट टू के रूप में मिल जाएगी, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी लंबी वीडियो आपको भी देखने में बड़ी समस्या हो सकती है, आप ही लोग देखेंगे बड़ी समस्या होगी, इतनी लंबी वीडियो है। ठीक, तो हम पुनः वापस आते हैं, यहाँ तक समझ लीजिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे टाइम जोन निकालते हैं। और पिंगाली पिंगाली, हाँ ठीक, इंतजार करिएगा, इसके पार्ट टू बनाएंगे, क्योंकि हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपके लिए दो पार्ट हो जाएगा, हमारे लिए एक पार्ट है लेकिन आपके लिए दो पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंतजार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा।